नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप आधार कार्ड के बेस पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आप होम लोन प्राप्त करना चाहते हैं, आप मोर्गेज लोन लेना चाहते हैं, तो आप आसानी से जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर आपको लोन मिल भी जाएगा। और तो उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कि लोन लेने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है, कौन कौन सी जो कंडीशन है जो फुलफिल होनी ज़रूरी है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। यदि आप लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोन लेने वाला जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में जो व्यक्ति लोन लेना चाहता है उसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड एवं बैंक अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, और इसी के साथ लोन चुकाने की काबिलियत भी उसमें होनी ज़रूरी है। मतलब कि आपकी जो मासिक इनकम होनी बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आप सैलरी बेस पर काम करते हो या आपका खुद का बिजनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, कंडीशन है लोन लेने के लिए, जो है इसमें बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरह से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम पहुँच चुके हैं आधार हाउसिंग फिनेंस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। यहाँ पर आपको किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वेबसाइट पर ऊपर ही लिखा गया है कि आई वॉन्ट टू अप्लाई। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, होम लोन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, होम लोन फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे आपको आई वांट टू अप्लाई के नीचे जो बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेंगे फॉर होम लोन, अगर आपको होम लोन के लिए अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, प्लॉट की खरीद रहे उसके लिए लोन चाहिए, या फिर होम इम्प्रूवमेंट लोन अगर आपका घर का मरम्मत करवा रहे तो यहाँ पे मैं होम लोन के लिए अप्लाई कर यहाँ पे टिक कर देता हूँ। तो ये मैं टिक कर चुका हूँ और इस तरह का कुछ फॉर्म खुलेगा अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पे पहली जो चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नाम यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसलिए आप आसानी से अगर आपको इंग्लिश में नहीं फा रहा है तो हिंदी में भी भर सकते हैं। यहाँ पे पहले आपको अपना नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद दूसरे कॉलम में ईमेल आईडी अगर आपकी है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर लैंडलाइन नंबर है तो वो डाल दीजिए, और यहाँ पे आपको उम्र यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो बतानी रहेगी। उसके बाद में आप कौन से राज्य से है वो बताना है। इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड की जो निकटतम ब्रांच है, शाखा है, उसका नाम देना है, और उसके बाद पिन कोड लिखना है यहाँ पे आपके सिटी का जो पिन कोड होता है। फिर रोजगारी की स्थिति पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन इतने ऑप्शन दिखेंगे कि आप वेतन भोगी, मतलब कि आप सैलरी बेस पे काम करते हैं, या फिर आप खुद का स्वरोजगार है, या कोई अन्य काम करते हैं, वो आपको बताना रहेगा। इसके बाद पर्पस ऑफ द लोन, लोन का उद्देश्य बताना है। यहाँ पे बहुत सारे उद्देश्य है, जैसे आप नया फ्लैट लेना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं उसके लिए, पुनर्विक्रय या फ्लैट को बेचने के लिए, नया प्लॉट लेना चाहते हैं, संपत्ति का मॉर्गेज लोन लेना चाहते हैं, जो भी उद्देश्य है वो आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। इसके बाद में लोन का उद्देश्य हो गया, उसके बाद में लोन की राशि कितनी चाहिए आपको, 1 लाख से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 से 15, 15 से 20, जो भी आपको जितने भी चाहिए उतने टिक करनी है। और इसके बाद में मंथली इनकम, आपकी मासिक आय कितनी है, 15,000 के अंदर है, 15,000 से 30 के बीच में है, जितनी भी आपको मासिक आय बतानी है। इतना करने के बाद आपको कॉल करने का सही समय, प्रेफर टाइम टू कॉल, आपको कौन से समय पे वे जो ये आधार फाइनेंस लिमिटेड वाले हैं वो कॉल करेंगे आपको, तो आपको एक टाइम दे देना है कि इस टाइम पे मैं फ्री होऊंगा तो इस टाइम पे मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ये टिक है यहाँ पे छोटा सा, एग्री करना है, और हो सके तो इसको पढ़ भी सकते हैं आप। उसके बाद में सबमिट पर जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगी, और उसके बाद में जो आपने समय दिया होगा उस टाइम पे आपको कॉल आ जाएगा, और उसके बाद में वो हाँ आपको कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे नज़दीकी ब्रांच में जाकर, और उसके बाद में आपका लोन, अगर आप सही कैंडिडेट है तो आपका लोन जो है हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है जो आपको 5 मिनट का काम है जो आप कर सकते हैं, और इस तरह से आधार कार्ड के बेस पे लोन प्राप्त कर सकते। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है आधार कार्ड के बेस पर जो है लोन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप नीलामी में या आधी कीमत में घर खरीदना चाहते हैं आपके सिटी या आपके गाँव में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, उसे भी चेक कर लीजिए ताकि आप भी उसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ में भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।